टोक्यो ओलंपिक का आज सातवां दिन है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने पदक की ओर बढ़ने का सिलसिला बनाए रखा है। सिंधु ने डेनमार्क की मिया को दो सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराकर सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हॉकी में भी टीम इंडिया का जबरदस्त प्रदर्शन दिखा। बेहद कड़े मुकाबले में भारत ने चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। मैच में वरुण, हरनप्रीत और विवेक ने गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तीरंदाजी मुकाबले में भी अतानु दास ने जीत हासिल की। अतानु दास ने ताइपेई को 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ अतानु दास ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की वजह से गुफा के आसपास बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप को इससे नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ की दो टीम पहले से अमरनाथ में है, एक और टीम गांदरबल से रेस्क्यू और राहत बचाव के लिए भेजी गई है। प्रशासन ने आसपास के इलाके के लोगों को सिंध नदी से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि बादल फटने से सिंध नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के संबंध में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। एनडीआरएफ की टीमें वहां भेजी जा रही हैं। आज तड़के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक गांव में अचानक बादल फट जाने से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। तमाम घर जमींदोज हो गए, इंसान तिनके की तरह बहने लगे। बादल फटने की इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 17 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि 19 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एक तरफ जम्मू के किश्तवाड़ में बादलों ने तबाही मचाई, तो कारगिल में भी बादल फटने की 2 घटनाओं में 2 गांव में जमकर तबाही हुई। कई घर इसमें तबाह हुए, तो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस तबाही की चपेट में आ गया। बादलों की यह तबाही करगिल से 60 किलोमीटर दूर करगिल लेह नेशनल हाईवे पर स्थित खंगराल गांव में मची। बादल फटने की दूसरी घटना करगिल से 40 किलोमीटर दूर सांगरा में हुई। उत्तरी कश्मीर के बांदेपोरा इलाके में भी बादल फटने से तबाही मच गई। जहां बादल फटा वहां आसपास के इलाके पानी से लबालब हो गए, किसानों की फसलें डूब गई। जम्मू कश्मीर में इस बादल फाड़ तबाही को लेकर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर तबाही में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने के बाद मणिकरण के ब्रह्मगंगा नाले में आई बाढ़ के चलते कई स्थानीय के गायब होने की सूचना है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आज मानसून सत्र का 8वां दिन है, जहां एक बार फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। संसद में जासूसी विवाद को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। 7वें दिन राहुल गांधी ने जासूसी विवाद को लेकर संसद में चर्चा की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि जो मुद्दे पहले से तय हैं, उन पर चर्चा की जाए। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की घेराबंदी जारी है। कल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के साथ चाय पर चर्चा की, तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी ने संसद में हो रहे हंगामे को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया, तो वहीं विपक्ष को एक साथ आने की हुंकार भरी। देखिए, बीजेपी को हारने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो यूपी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में 83 सांसद शामिल हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। कल बैठक के पहले दिन कानपुर और ब्रज क्षेत्रों के सांसदों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में यूपी के नेताओं के अलावा जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। बैठक में सांसदों को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी को लेकर मंथन किया जा रहा है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का मंथन शुरू हो गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आगामी चुनावों से जुड़े इंतजाम, सुरक्षा बलों की जरूरतों और सबसे अहम कोरोना से संबंधित नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर अपने सुझाव दिए। चुनाव आयोग तय समय में चुनाव कराने के मूड में नजर आ रहा है। असम और मिजोरम सीमा पर जारी विवाद के बीच दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों राज्य बातचीत से मुद्दे सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में असम के चीफ सेक्रेटरी और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी समेत दोनों प्रदेशों के आला अधिकारी शामिल थे। दोनों प्रदेश बातचीत का ये दौर आगे भी जारी रखेंगे और अपने मुद्दे एक दूसरे के सामने रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर ये रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों की बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। सरकार 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राकेश अस्थाना को नियमों की अनदेखी करके ये पद दिया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के चहेते होने की वजह से उन्हें ये पद दिया गया है। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। कोरोना के बीच स्कूल को खोलने को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मंत्रिमंडलीय बैठक में कोरोना संकट के बीच स्कूल फीस में 15% की कटौती का निर्णय लिया गया है। यानी अब बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की सिर्फ 85% फीस भरनी पड़ेगी। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राज कुंद्रा और रयान थोर्प की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोज हो रहे नए खुलासों के कारण राज कुंद्रा से पूछताछ के लिए और ज्यादा समय की मांग की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से मौत पर चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। कहा पिछले हफ्ते के मुताबिक इस हफ्ते दुनिया भर में 21% अधिक मौतें हुई हैं। इस हफ्ते हुई 69,000 मौतों में सबसे ज्यादा अमेरिकी महाद्वीपों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुई। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका के संक्रामक रोग नियंत्रण केंद्र ने वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को भी घर में मास्क पहनने की हिदायत दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने न्यूक्लियर डील कर रुकी हुई बातचीत के लिए अमेरिका के जिद्दी रवैये को जिम्मेदार बताया। खामनेई का बयान ऐसे समय पर आया है जब अगले हफ्ते ईरान में नए राष्ट्रपति के तौर पर इब्राहिम रईसी शपथ लेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सिंगापुर की यात्रा के बाद वियतनाम पहुंचे। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में बढ़ रहे गतिरोध को देखते हुए ऑस्टिन का यह दौरा अहम माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री वियतनाम के बाद फिलीपींस भी जाएंगे। संचार लाइन बहाल करने के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया लाइजन ऑफिस को दोबारा खोलने पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले साल दोनों के बीच बातचीत शुरू होने के बाद इस दफ्तर को उत्तर कोरिया ने तबाह कर दिया था। दफ्तर की जरूरत नहीं होने की बात कही गई थी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर लाइजन ऑफिस था।